हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी मेट दिल्ली चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने और समझने वाले हैं आकलन कार्यपत्रक 16 यानी कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 को, जो क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के बच्चों के लिए दिनांक 8 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल किया गया है। और ये जो असेसमेंट है कुल 20 अंकों का रहेगा। ठीक है, विद्यार्थी सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने सब्जेक्ट टीचर या कक्षा अध्यापक का नाम लिख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो ये जो असेसमेंट है इसमें आपको जो है कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखिए, जो पहला प्रश्न होगा बच्चों वो है रॉलेट सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था, ये 2 अंक का रहेगा। जो दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह के विचारों को विस्तार से समझाइए, जो उनके सत्याग्रह संबंधित जो विचार थे उसके विषय में आपको विस्तार से लिखना है, और ये जो है 3 अंक के रहेंगे। ठीक है, जो तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए, तो इसमें असहयोग आंदोलन के जो चरण थे क्रमवाइज कैसे कैसे क्या हुआ था तो वो आपको लिखना है, और ये 3 नंबर के होंगे। जो चौथा प्रश्न है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। ठीक है, तो इस ये जो है 3 नंबर के रहेगा। और जो अगला क्वेश्चन रहेगा पांचवा, वो रहेगा प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो बच्चों ये जो प्रश्न होगा ये कुल 5 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और जो छठा प्रश्न है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, और इसके लिए 1 अनुच्छेद दिया गया, उसको आपको पढ़ना है और उसी से नीचे के 3 प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इस अनुच्छेद को भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद में एक ही साथ आपको सारे प्रश्नों के आंसर हम बताएंगे। तो ठीक है, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया, मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराबों की दुकानों की पैकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। ये सारी चीज़ें असहयोग आंदोलन के जरिए हुआ था, जो छात्र थे वो स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिए, जो वकील थे वो लोग केस लड़ना बंद कर दिए, वकालत करना छोड़ दिए, और जो टीचर्स थे वो लोग इस्तीफा देने लगे। ठीक है, और जो परिषद चुनाव हुए थे वो केवल मद्रास के अलावा और हर जगह से उसका बहिष्कार किया गया, केवल मद्रास में जो वहाँ की जस्टिस पार्टी थी, क्योंकि उसका ये मानना था कि काउंसलिंग के जरिए अगर हम अंदर प्रवेश करेंगे तो ही हम अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। ठीक है, और देखिए, और एक और भी असर देखने को मिला था कि जो आर्थिक रूप से बात करें तो आर्थिक असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा, क्योंकि शराब की दुकानों की पिकटिंग की गई थी, और जो विदेशी सामान थे उनका बहिष्कार किया गया, और जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया गया, यानी कि उनकी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। अगर विदेशों से वस्तुओं के मंगाने की बात की जाए, ठीक है, कपड़ों के मंगाने की बात की जाए, तो वो जहाँ पे 100% आता था वो घट के, ठीक है, 1921-22 में घट के 50% ही रह गया था, और उसकी कीमत भी, क्योंकि उसकी मांग कम हो गई तो उसकी कीमत भी 102 करोड़ से घटकर केवल 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने तथा विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयाती कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने
लगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। देखिए क्या हुआ कि विदेशी चीज़ें भारत आनी कम हो गई, और ऐसे में क्या हुआ जो स्वदेशी चीज़ें जो भारत की कंपनियां थी जो मिल थे वो लोग उत्पादन फिर बढ़ाने लगे, और शहरों में थोड़ा सा ये धीमा पड़ने लगा। ठीक है, तो ये क्यों पड़ा, इसके भी कई कारण थे। एक तो ये था खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। मैं समझाने के लिए बात करूँ, जैसे कि हर एक इंसान के पास भारत के लगभग मोबाइल आ गए, वो क्यों आए, उसका सही कारण ये था कि चाइना मोबाइल काफ़ी सस्ते हमें मिले, इसलिए गरीब गरीब तक अगर मोबाइल पहुंचाने का काम हुआ तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ मोबाइल की वजह से हुआ, जो कि काफ़ी सस्ते मिले। ठीक है, तो उस समय भी कुछ ऐसा था कि जो विदेशी वस्तुएं थी वे भारतीय वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती थी, और इस वजह से क्या हुआ कि जब वो चीज़ें बंद हो गई या यहाँ के जो व्यापारी थे वो विदेशी सामान लेना बंद कर दिए, तो क्या हुआ कि स्वदेशी उत्पादन होने लगा, लेकिन वो चीज़ें महंगी पड़ी। तो ऐसे में क्या जो गरीब थे वो लोग स्वदेशी उत्पादन को ले पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ थे, क्योंकि ये महंगी पड़ रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से जो भी इनका जो आंदोलन था वो एक रूप से कमज़ोर पड़ने लगा था। ठीक है, और वे मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। इस तरीके से आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ा और लोग फिर से जिसका बहिष्कार किया गया था उन चीज़ों में ये लोग दोबारा से संलग्न होने लगे। तो बच्चों इस अनुच्छेद से रिलेटेड तीन प्रश्न हैं। पहला है, मद्रास प्रांत में परिषदी चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया गया, इसमें कारण बताना है। और 6.2 है उसका है कि असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभावों को विस्तार से समझाइए। और तीसरा रहेगा कि आंदोलन शहरों में धीरे धीरे धीमा क्यों पड़ने लगा। तो देखिए जो 6.1 और 6.2 है यह एक एक अंक के होंगे, और जो 6.3 है यह दो नंबर के प्रश्न आपका रहेगा। तो आइए इन सभी प्रश्नों के मतलब ऊपर के 5 प्रश्न और नीचे के जो छठे में 3 पार्ट है इन तीनों प्रश्नों का हम लोग देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह आयोजित क्यों किया गया था, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था ने ब्रिटिश पुलिस को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी यानी कि असीमित शक्तियां प्रदान की थी, बहुत सारी शक्तियां प्रदान की थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। ठीक है, अब ब्रिटिश पुलिस कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती थी। यह एक अन्यायपूर्ण कानून था जिसका उद्देश्य केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना था, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे थे। यह एक काला कानून था। ठीक है, और इसके तहत क्या था कि किसी भी भारतीय को बिना किसी जुर्म के बिना किसी कारण बताए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, और जब तक इच्छा तब तक उसके ऊपर कानून भी मतलब उसको सजा के तौर पर रखा भी जा सकता था। और इसके अंतर्गत बहुत सारी शक्तियाँ पुलिस के पास ब्रिटिश पुलिस के पास मिल गई थी, और इनका जो रॉलेट एक्ट जो मुख्य उद्देश्य था कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन फैल रहा था भारतीयों के द्वारा उसको दबाना उसको कुचलना। जो दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों को विस्तार से समझाइए, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए संघर्ष। ठीक है, गांधी जी के अनुसार यदि आपका उद्देश्य सत्य है तो आपको उत्पीड़क के खिलाफ संघर्ष में शारीरिक बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है, इस संघर्ष में जीत अंततः सत्य की ही होती है। ठीक है, अगर आप उत्पीड़क के खिलाफ संघर्ष में शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करते, गांधी कहते हैं ना अगर एक गाल पर कोई तमाचा मार दूसरा गाल घुमा दो, तो अगर आप जो है हाथ नहीं उठाएंगे तो एक समय आएगा जो सामने वाला जो आपको मार रहा है उसका भी कलेजा पिघलेगा
और फिर वो आपके प्रति दया भाव उसके अंदर आ जाएगी। जो तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पहला कि गांधी जी का यह मानना था कि असहयोग आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए। प्रथम चरण में इसकी शुरुआत लोगों द्वारा पदवियां लौटाकर की गई। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले क्या किया, जो जिन लोगों को पदवियां मिली हुई थी, उपाधियां मिली हुई थी, वो लोग जो है उसको अंग्रेजों को वापस करने लगे। द्वितीय चरण में यह हुआ कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा इस्तीफे दिए गए। विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया और आम जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। पहले चरण में क्या होता है कि पदवियां लौटाई गई, दूसरे चरण में इस्तीफे दिए गए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा, और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने स्कूलों का बहिष्कार किया, ठीक है, और जो वस्तुएं थी विदेशी वस्तुएं उनका बहिष्कार किया गया, ठीक है, कपड़ों की होली जलाई गई। अंतिम चरण में क्या होता है कि सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। और चौथा जो प्रश्न है वो है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि राजनीतिक नेता भारतीय समाज के भिन्न भिन्न वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। जो भारतीय नेता थे वो भिन्न भिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, ठीक है, भिन्न भिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकारों और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर अपने वर्ग का जीवन में बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेषकर गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा तथा वे इस मांग के विरुद्ध थे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आप जोड़ सकते हैं, यही वे कारण थे कि भारत जो राजनीतिक नेता थे वे पृथक चुनाव के सवालों पर बटे हुए थे। क्या क्या कारण थे? एक तो वो लोग क्या थे, जो भी नेता थे वो विभिन्न समुदायों से जुड़े थे, विभिन्न वर्गों से जुड़े थे, कोई हिंदू वर्ग से जुड़ा था, कोई मुस्लिम वर्ग से जुड़ा था, ठीक है। और जो अंग्रेजों ने ये चीज़ अख्तियार की थी कि फूट डालो और शासन करो, तो वो इसी का नतीजा था, ठीक है, कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को मान लेना, ठीक है। और गांधी जी का ये विचार था कि अगर हम इसको मान लेते हैं पूरी तरीके से तो क्या होगा कि फिर एकता नहीं रह जाएगी। और अगला जो प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। इसमें लिख लेंगे कि करों में वृद्धि, युद्ध से होने वाले रक्षा खर्चे में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने कर्ज लिया और कई टैक्स बढ़ाए। हमें इस क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें किस तरीके से योगदान दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ था कि देखिए, जब कोई भी युद्ध होता है तो जो भी देश उसमें शामिल होते हैं उनकी जो आर्थिकी स्थिति वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, चीज़ें महंगी होने लगती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कारगिल युद्ध, तो 99 में क्या हुआ था कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, प्याज जो है 100 रुपये से ऊपर बिक रहे थे। तो उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, जब कभी भी ऐसा कुछ होता है तो उसमें जो देश है वो काफ़ी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ था कि टैक्स में वृद्धि हो गई थी, युद्ध से होने वाले रक्षा खर्चे में वृद्धि हुई, और वृद्धि को पूरा करने के क्या किया गया कि इंग्लैंड ने कर्ज लिए और कई टैक्स बढ़ाए। इंग्लैंड ने भी क्या हुआ कि विदेशों से, कई देशों से उन्होंने टैक्स लिए और भारतीयों के ऊपर कई प्रकार के टैक्स बढ़ा भी दिए, ठीक है। दूसरी चीज़, इनकम टैक्स, अधिक राजस्व संग्रहण के उद्देश्य से सीमा शुल्क को बढ़ाया गया और आय कर को शुरू किया गया। देखिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया कि जो सीमा शुल्क था उस पर राजस्व बढ़ाया गया और आयकर को भी शुरू कर दिया गया। और देखिए, महंगाई बढ़ी। देखिए, 1913 से 1918 के बीच अधिकतर चीज़ों के दाम दोगुने हो गए। कीमतें बढ़ने से आम आदमी की मुसीबतें बढ़ गई। जो आम आदमी था, कीमतें बढ़ने से क्या हुआ कि उसकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान।
और देखिए क्या हुआ कि निर्धनता में बढ़ोतरी, जब कीमतें बढ़ी, रोजगार नहीं था तो निर्धनता में तो वृद्धि होगी। इस दौरान महंगाई, अकाल और महामारी आदि के कारण देश में निर्धनता में बढ़ोतरी हुई। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए लोगों को सेना में जबरन भर्ती किया गया, जिसे ग्रामीण इलाकों में बहुत आक्रोश था। प्रथम विश्व युद्ध में जो है लड़ने के लिए लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था उनकी इच्छा के विरुद्ध, इससे जो है ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा था, आक्रोश था। और इन सब कारणों ने जनता में अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोश बढ़ा दिया और वे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते गए। तो ये सब जो है प्रमुख कारण थे। क्या था? करों में वृद्धि करना, इनकम टैक्स को लागू करना, फिर महंगाई की बढ़नी, ठीक है, निर्धनता में लगातार वृद्धि, और जो जबरन सेना में किसानों को जबरन जो भर्ती करने का मामला था, इस वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा था और इस वजह से वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते गए। और जो आपका अनुच्छेद से रिलेटेड आपके 3 प्रश्न हैं, तो उसमें जो 6.1 वाला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। मद्रास प्रांत में परिषदीय चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं किया गया? तो इसमें पहला रीज़न लिखेंगे कि मद्रास की जस्टिस पार्टी ने परिषद के चुनाव का बहिष्कार नहीं करने का फैसला किया। दूसरा लिख लेंगे कि जस्टिस पार्टी के सदस्य गैर ब्राह्मण थे और अब तक चुनाव नहीं जीत पाए थे, क्योंकि ब्राह्मण उम्मीदवार हमेशा जीतते थे। देखिए, जो मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी, ठीक है, तो इसके जो सदस्य थे वो गैर ब्राह्मण थे, यानी कि ब्राह्मण नहीं थे। इसका कोई भी सदस्य ब्राह्मण नहीं था, गैर ब्राह्मण थे, और ये लोग अभी तक कोई भी चुनाव नहीं जीते थे। तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे कि इस बार हो सकता है हम लोग जीत जाएँ, तो इस वजह से वो लोग चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए परिषदों के प्रवेश का एक सुनहरा अवसर था, ठीक है। और जो 6.2 है प्रश्न, वो है कि असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभावों को विस्तार से समझाइए। तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ठीक है, शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया, पिकेटिंग की गई, ठीक है, और विदेशी कपड़ों की भारी अलावा में जलाए गए। जो विदेशी कपड़े थे उनको भारी मात्रा में, यानी कि बहुत सारे कपड़ों को बहुत भारी मात्रा में जला दिया गया। और 1921-22 के बीच विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का आयात 50% तक कम हो गया था। विदेशी वस्तुओं के आयात का मूल्य जो है 102 करोड़ से घटकर 51 करोड़ हो गया था, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो लास्ट प्रश्न है आपका, वो ये है कि आंदोलन शहरों में धीरे धीरे धीमा क्यों पड़ने लगा? तो इसमें हम लोग लिख लेंगे, खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे लंबे समय तक खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। जो खादी का कपड़ा था वो अगर देखा जाए कि जो विदेशी कपड़े आते थे उसके अपेक्षा काफ़ी महंगा पड़ रहा था, और जो आम जनता थी उसके लिए उसे खरीद पाना कहीं ना कहीं मुश्किल भरा था। और देखिए, इसी तरह ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार ने एक समस्या उत्पन्न कर दी, क्योंकि कोई वैकल्पिक भारतीय संस्थान नहीं थे। और तीसरी इसमें जोड़ लेंगे कि वकील और अधिकारी बिना आय के नहीं रह सकते थे, इसलिए वे सरकारी अदालतों और कार्यालयों में काम से जुड़ गए। तो बच्चों, इसी के साथ आज की ये असेसमेंट वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको क्लियर हो, आपको समझ में आई हो, तो ही आप इसे लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।